हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार थंबनेल में तो R15 थी और Y2NS पे क्या कर रहा है। तो भाई आप लोग बिल्कुल सही हो यार, R15 की ही वीडियो है ये। और एक्चुअली अभी मैं जा रहा हूँ अपने भैया के घर, वहाँ पर वो बाइक है, वहाँ पर वो बाइक लेने जा रहा हूँ मैं। और ये बाइक मैं कुछ टाइम के लिए भाई को दे दूँगा और भाई की बाइक अपने मतलब भाई की बाइक ले लूँगा और फिर चलेंगे हम लोग। गोमती नगर का प्लान है और अभी तो पहले बाइक पिक करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ठीक है, अभी हम बाइक पिक कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस यार अभी फाइनली आ चुके हैं R15 के ऊपर और अभी यार मैं जा रहा हूँ घर। अभी मैं आपको इस गाड़ी बारे में बिल्कुल कुछ बताऊँगा नहीं। और अभी मैं जा रहा हूँ घर और वहाँ जा कर अपने फ्रेंड को पिक करूँगा एंड देन जाएँगे हम लोग गोमती नगर थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो यार देख सकते हो धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उस टाइम तो नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे। और अभी मैं फ्रेंड को पिक करूंगा एंड फिर आपसे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अभी मैंने फ्रेंड को पिक कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं यार गोमती नगर मरीन ड्राइव की साइड, क्योंकि वहीं पे आपको इस बाइक का पूरा रिव्यू देंगे और भगा के भी देखेंगे, क्योंकि इस बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो एकदम समझ लो ज़ीरो है, तो यहाँ पर तो भगा नहीं सकते हैं। तो आप फिर डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। भैया तुम ये चलाओगे ना जब अभी, तो जो स्मूदनेस है ना इसमें अभी तक यार वो ख़तरनाक वाली है भैया इसमें बहुत। भाई इंजन पता बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, कितना भी रेव कर लो बिल्कुल नहीं कर रहा है। भाई तुम बेटा देखो आगे जोर दिए रहो। हाँ टेम्पो के अंदर अंकल देख रहे हैं घूर घूर के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल कह रहे हैं बेटा ये क्या लगा रखा है आगे। यहाँ आएगा मजा देखो। भाई हननाती है भाई गाड़ी, देख रहे हो भाई अमेजिंग साउंड है यार इस बाइक का। वो तो कहो भाई इस टाइम इतना टाइम हो गया तो गर्मी नहीं है इतनी ना, दोपहर में तो भाई बहुत ज़्यादा थी, आंखें नहीं खुल रही थी। हाँ नहीं अब सही है, इस टाइम बहुत अच्छा लगेगा पता है वहाँ मरीन ड्राइव पर। और ये आ गए हज़रतगंज यार। यस भाई पॉश एरिया है यार ये, यहाँ की बात ही अलग है। और अभी आ गए यार 1090 चौराहा, यहाँ से पूरा घूम के वहाँ उस गेट तक चलना पड़ेगा। भाई यहाँ की रोड यार भाई गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं, इंजन ब्रेकिंग करके रोकना पड़ रहा है पता है गाड़ी को। और यही नीचे मरीन ड्राइव है, आप देख सकते हैं पूरा अम्बेडकर पार्क है। आई होप सही से आ रहा हो। गाड़ी यहीं साइड में लगाते हैं यार, फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से गाड़ी का लुक। उतर भाई। तो हेलो गाइस, अभी आ चुके हैं मरीन ड्राइव, आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है वहाँ से लेकर वहाँ तक। और यार ये काफ़ी लंबा है वहाँ तक, मतलब रेस के लिए भी बढ़िया है। खैर वो सब छोड़ो, तो फिलहाल अभी आ चुके हैं यहाँ पे और मैं आपको इस बाइक का थोड़ा डिटेल रिव्यू देता हूँ। और ये बाइक 149 सीसी का इसका इंजन है और ये बाइक प्रोड्यूस करती है
16.7 bhp of power at 8500 rpm and 15 nm of torque at 7500 rpm. और ये जो इंजन है इसका वो 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड इंजन है. और यार 150 cc के इंजन, और यार इसमें जो है आपको 4 valve मिलते हैं एंड लिक्विड कूल मिलता है, मेन चीज़ तो ये है. और बाइक को मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ. बाइक थोड़ी यार बुरी हालत में है, वो तो काफ़ी गंदी हो रही थी, मैंने धोई इसको तो फिर भी थोड़ी सही लग रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ. लेकिन जो भी कहो यार बाइक का लुक जो है वो एकदम जहर है. अब ये देख लीजिए, मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ एक बार. ये देखिए फुल स्वाइप मारता है ऐसे, एंड डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रल है, इंडिकेटर एंड अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा जूम करके, पता नहीं आ भी रहा होगा कि नहीं इसमें. और हाई बीम, इंजन मल फंक्शन एंड ओवरहीट टेम्परेचर का, बाकी ये आरपीएम है और ये फ्यूल इंडिकेटर, ये स्पीड इंडिकेटर एंड ये ओडोमीटर, ठीक है. और बाकी आप देख सकते हैं इस बाइक का क्लच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देख लीजिए क्लच प्ले बहुत ज़्यादा है. और 6-speed गेयर बॉक्स मिलता है आपको इस बाइक में. और अभी आप एक और चीज़ देखिए, भाई साहब ये क्या था भाई, ये तगड़ी चीज़ देखने को मिल गई. सो गाइस कौन मस्टैंग थी ना, मस्टैंग थी भाई भाई, मतलब बहुत तगड़ी साउंड भाई क्या था उसका. तो बाइक के बारे में जैसा आपको बताया, बाकी मैं आपको राइड करते हुए बताऊंगा इसका रिव्यू, चलाने में कैसी है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सब कुछ पूरा बताऊंगा. और अभी चलेंगे सीधा, और वहाँ पे मतलब सीधी रोड है आगे, काफ़ी अच्छी लोकेशन है मुझे याद है, और वहीं चलते हैं अभी. तो अभी चलते हैं यार, बैठ भाई, ठीक है. और अभी चलते हैं. मैंने अभी तक बता दूं यार, मैंने गाड़ी को अभी भगाया नहीं है लाइक फुल थ्रॉटल करके, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, इस बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो एकदम ज़ीरो हैं, समझ लो ख़त्म एकदम. वो भैया ने मुझे बताया था कि ब्रेक नहीं है तो थोड़ा संभाल के चलाना, तो उस चीज़ का भी ध्यान में रखना है. बाकी सीधी रोड है तो लाइक सिंगल मैं अकेले भगाऊंगा इसको, पहले वहाँ रोड पर चलते हैं और देन फिर भगाएंगे इसको, क्योंकि बिना भगाए तो यार मतलब हमसे रहा नहीं जाएगा ना. और यार अभी मस्टैंग दिखाई दी यार, मतलब मज़ा आ गया. पर जो साउंड था ना यार, वो पता नहीं कैमरे में आया होगा ठीक से कि नहीं यार, बट रियल में जो साउंड था ना उसका यार अमेजिंग था यार. लिटरली वो यहाँ तक आई होगी, यहाँ तक उसका साउंड आ रहा था, इतनी लाउड थी वो. और वो गाड़ी हरियाणा की थी, उस पर लिखा हुआ था 4 गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र. इस एरिया में आने का यार देखो यही फ़ायदा, यहाँ पे आपको ये सब मतलब कॉमन है यार, यहाँ के लिए सुपर कार हो गई, सुपर बाइक्स हो गई, सब कुछ नहीं है यहाँ भाई साहब. हाँ यहाँ पे हम लोग यार फ़ोटोशूट करवा चुके हैं काफ़ी बार. थोड़ा सा बैठ फ्रेंड बैठा हुआ तब भी भगाते हैं. लिटरली क्या भागती है ये गाड़ी, अमेजिंग यार अमेजिंग. मान गए भाई यामाहा के इंजन को, 150 cc में क्या बवाल चीज देते हैं. और यार ये देखो यार, ये एरिया मैंने YouTube पर देखा था भाई, देख रहे हो क्या साउंड है मतलब भाई. यहाँ से लेंगे लेफ्ट और देख रहे हो एकदम प्लेन रोड है, ये देखो भाई एकदम प्लेन रोड है. सीधी गाड़ी पर फुल थ्रॉटल दे दो भूल जाओ, एकदम सीधी रोड है. मेरे को दिखाता हूँ मैं आगे, लोकेशन बहुत प्यारी है. अभी देख सकते हैं आप, इस वाली रोड पे चलते हैं. भाई देख रहे थे यार, अच्छा वो रोका नहीं पता है. एंड यार अभी यहीं पे थोड़ी सी गाड़ी को भगा के देखेंगे
देखते हैं मतलब ये इसका एक्सेलरेशन कैसा है, क्योंकि 16.7 ऑलमोस्ट 17 पीएस ऑफ पावर है इसमें, तो एक बार चेक करना तो बनता ही है यार। चलो ब्रो तुम वेट करो, हम थोड़ा इसको खींचते हैं कि रोड तो एकदम खाली है, देख रहा हूँ। तो चलो अब इस गाड़ी को भगाते हैं। ये फर्स्ट गियर डाला, स्टार्ट करी यार, ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा नहीं भगाएंगे। मजा आ गया यार, फक। ओ भाई कसम से यार, क्या बाइक है ये मैन। मैंने बहुत ज्यादा पुल भी नहीं किया भाई, और 120 इजिली चली गई। यहां से यूटर्न ले लेते हैं। और यार मतलब मज़ा आ गया यार, लिटरली यार अमेजिंग बाइक है यार। भाई दिल आ गया यार, R15 V2 कर तो यार, सही में बता रहा यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल यार। ये गाड़ी इस कंडीशन में थी ना कि आप इसको देखोगे तो कहोगे कि भाई ये भाग ही नहीं सकती, और लिटरली ये भाग रही है। और इस गाड़ी में ज़ीरो वाइब्रेशंस, चाहे वो फुटपैक हो गया, फेयरिंग हो गई, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है यार। चाहे कितना भी आप रेव कर लो, वाइब्रेट करती ही नहीं है गाड़ी बिल्कुल यार, कसम से भाई मान गया यार यामाहा को। सोचो V2 इतनी अच्छी है तो V3 कितनी अच्छी होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और यार लगता है वैसे काफ़ी आगे आ गया मैं। मेरा फ्रेंड वहाँ पे है, और यार देखो कहीं ना कहीं यार बाइक में जब 6 गियर होते हैं ना तो भाई कहीं ना कहीं एडवांटेज तो मिलता है यार। ऐसे ही नहीं यार KTM वाले अपनी 125 cc की मोटरसाइकिल में 6 गियर देते हैं यार, फ़ायदा तो है यार, तभी तो देते हैं। और ये आ गया यार मेरा फ्रेंड वहाँ पे, भाई तबाही है यार ये बाइक, पता है 120 के ऊपर। और भाई पता है कुछ भी नहीं कर रखा हमने, नॉर्मल चला रहे हैं समझ रहे हो, और सोचो भाग रही है बहुत, नॉर्मल चलाने पे इतना भाग रही है भाई ये बाइक। हुए भाई वहाँ तक गए थे हम भाई, बिल्कुल नहीं है भाई वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल कंट्रोल में है। अगर ब्रेक सही होता तो और ज़्यादा भगाते, लेकिन ब्रेक ठीक नहीं पता इसके, ज़्यादा भगाना ठीक नहीं है इसको। यहाँ से यार गाड़ी को मोड़ लेते हैं एक बार। तो यार बाइक के बारे में जितनी तारीफ़ करूँ या उतनी कम है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी पता है क्या लगी, कि इसका राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है। लाइक मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखी है जो उसमें बताते हैं यार कि जो V3 है उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी यार ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रखा है, तो उसमें जो राइडर होता है उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक इसमें उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट हाँ ये है कि हाँ रेडी टू रेस रहते हो, हमेशा तैयार रहते हो लाइक भगाने के लिए एकदम। और मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि 150 cc की सेगमेंट में ये किसी भी बाइक को स्मोक कर सकती है इजीली यार, पावर तो है यार इस गाड़ी में, क्या बोलता भाई। तो अभी थोड़ा आगे चलेंगे, वहाँ से घुमा के वापस चलेंगे मरीन ड्राइव की साइड। चलो बैठो फिर चलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं। और यार अब आएँ थोड़ा सा दिन भी हो रहा है तो रोशनी का थोड़ा सा पिक वगैरह क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ जल्दी से आना नहीं होता यार, क्योंकि घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, और पेट्रोल तो यार सबको पता ही है यार इतना महंगा हो रहा है। तो वैसे भी अभी नल्ले ही है
और इसका एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो हैंडल है वो हल्का सा बेंड है, लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा है थोड़ा, तो ये एक दिक्कत है, बट वो ऐसा फील नहीं हो रहा है, चला रहे हैं तो उतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है। चलो पीछे कोई नहीं, यहीं से मुड़ लेते हैं, अपना यू टर्न ले लेते हैं यहीं से। चलते हैं यहाँ पे, और ये देखो यार ऊपर बढ़िया सूरज है, व्यू देखो यार खाली, आप अमेजिंग यार। मैंने आपको पहले ही बताया था यार, इस एरिया की बात ही अलग है। और अभी यहाँ रुकते हैं यार, थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं बाइक के साथ भी, क्योंकि बाइक मेरे पास ये रहेगी नहीं, मुझे शाम को देनी भी है वापस, तो इस वजह से यहीं पर रुकते हैं, तो फ़ोटो शूट करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली रील भी बना दी, फ़ोटो भी क्लिक कर ली, और बाइक के साथ बहुत अच्छी अच्छी क्लिक्स आई हैं। और यार क्या सीन हो रहा ना इस टाइम यहाँ पे, आप जब सामने देखोगे ना तब आपको लगेगा, बहुत मज़ा आ रहा था यार। और लिटरली यार वहाँ जो रील बनी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब बच्चे खेलने भी आते हैं एंड रोलर स्केटिंग हो रही है। और यहाँ पे आई थिंक कट होना चाहिए, आई थिंक मुझे दिख रहा है वो की होल है ना, की होल। और अभी जा रहे हैं घर, और बेसिकली अभी मरीन ड्राइव पे जो है, यहाँ पे एक बार और रैप भाई, और अभी कहीं रुक के यार वीडियो को एंड करेंगे, और अभी चलते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं बाइक को, जब तक मेरे पास है तब तक एंजॉय करते हैं। यार मैं इतना बोलूँगा, जब से मैंने इस बाइक को राइड किया है भाई, मेरा तो दिल आ गया, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भाई मैं कभी ना कभी इस बाइक को ज़रूर परचेज करूँ, भले ही सेकेंड हैंड, क्योंकि सेकेंड हैंड ही मिलेगी, तो मेरा तो मन बहुत है परचेज करने का इस बाइक को, और देखते हैं इन फ्यूचर, एक बार V3 चलाने को भी मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा। काफ़ी जल्दी V3 भी आपको देखने को मिलेगी यार ब्लॉग्स में, और R15 के बाद पल्सर 220F के ऊपर वीडियो आएगी, मतलब तुरंत बाद नहीं, कुछ टाइम बाद, लाइक अपकमिंग ब्लॉग्स में। तो अभी यहीं साइड में लगाते हैं गाड़ी, यस। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, और आपने देखा यार मैंने बाइक को फुल एंजॉय किया, और क्या सेक्सी दिखती है यार बाइक, मतलब कोई तोड़ नहीं है यार इस बाइक का, थम्स अप। और अभी जाएंगे घर, एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो का बेस्ट पार्ट, और अपकमिंग व्लॉग्स में भी आपको ये बाइक देखने को मिलेगी, और स्पेशली ये बाइक ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि मेरे भैया की ही है, तो ये तो आती रहेगी, और भी बाइक आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 220F हो गई, एंड KTM की मैं ट्राई करूँगा पूरी, अगर बाइक मुझे अवेलेबल हो जाएगी तो मैं उसके ऊपर भी व्लॉग बनाऊँगा, और V3 पे भी मैं बहुत जल्दी बनाऊँगा क्योंकि V3 मेरा कज़न लेने वाला है, तो इसलिए आपको उस पर देखने को मिलेगी, ब्रांड न्यू बाइक रहेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ठीक है यार अभी चलते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।